बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक, यूनिट 3, डिगिंग फॉर गोल्ड, पेज नंबर 19। बेटा आज हम इस यूनिट की हाफ रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नासिर एंड मरियम हैड अ लिटिल फील्ड बिहाइंड देयर हाउस। नासिर और मरियम का एक छोटा सा खेत था जो कि उनके घर के पीछे था। दे ग्रू वेजिटेबल्स देयर, वो वहाँ पर सब्जियाँ उगाते थे। दे डिड ऑल द वर्क देमसेल्व्स, वो दोनों मिलकर काम करते थे। दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करते थे। नासिर डग द सॉयल एंड मरियम प्लांटेड द सीड्स। नासिर जो है वो मिट्टी में खुदाई करता था और मरियम जो है वहाँ पर बीज लगाती थी ताकि वहाँ पौधा उगे। देन As the seeds began to grow, फिर जब बीज जो है वो उगने लगते थे, नासिर एंड मरियम looked after the young plants. नासिर और मरियम दोनों अपने पौधे की देखभाल करते थे। नासिर drew water from the well and filled the pots. नासिर जो है वो कुएं में से पानी निकालता था और जो बाल्टियाँ होती यानी जो बर्तन थे उन्हें फिल करता था। मरियम carried the pots of water to the plants. मरियम उन पॉट्स को उठाती थी और पौधों को पानी देती थी। When the vegetables were ready, they sold them in the village market. जब सब्जियां तैयार हो जाती थी तो वो दोनों से मार्केट में बेच देते थे। One day, the police came looking for Nasir. एक दिन पुलिस नासिर को देखने के लिए आई। They said that he had stolen money and gold from the house of the रिच फार्मर इन द विलेज। उन्होंने कहा नासिर से कि तुमने पैसे और सोना चुराया है जो इस गांव का सबसे अमीर किसान है उसके घर से। बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग, सेड पुअर नासिर। नासिर ने कहा कि लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिया। द पुलिस डिड नॉट बिलीव हिम, पुलिस ने उस पर यकीन नहीं किया। दे पुट हिम इन प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन प्रिजन नासिर वॉज वरीड। जेल के अंदर जब वो कैद में था तो नासिर बहुत परेशान था। इट वॉज टाइम टू प्लांट द न्यू क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स। वो वक्त जो था वो नए जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए, नए पौधों के लगाने का टाइम था। मरियम कुड डू मोस्ट ऑफ द वर्क हर सेल्फ, बट शी वुड नॉट बी एबल टू डिग द होल फील्ड बाय हर सेल्फ। मरियम ने अपना जो है वो बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन वो फिर भी उस खेत को खुद से खोद नहीं सकती थी। नासिर थॉट अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अपने इस मुश्किल के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचता रहा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक सोच आई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ। उसने एक खत लिखा अपनी बीवी के लिए। उस खत में क्या लिखा था? प्लीज़ डू नॉट डिग द फील्ड, मेहरबानी करके खेत को मत खोदना। आई हैव हिडन द मनी एंड द गोल्ड देयर, मैंने वहाँ पर कुछ पैसे और जो है वो सोना वहाँ पर छुपाया हुआ है। पेज नंबर 20। वन वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, नासिर गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ। नासिर के पास उसकी वाइफ की तरफ से एक खत आया। इट सेड, उसमें लिखा था, समबडी इज़ रीडिंग योर लेटर्स बिफोर दे गो आउट ऑफ द प्रिजन। यानी कि जेल से निकलने से पहले तुम्हारे दिए हुए खतूत कोई पढ़ रहा था। 3 days ago, 3 दिन पहले, सिवरल पुलिसमैन केम हेयर एंड डग अप द फील्ड। 3 दिन पहले पुलिसमैन आए, यानी पुलिस जो है वो आई और फील्ड को, खेत को खोदना शुरू कर दिया। वट शैल आई डू नाउ, अब बताओ मैं क्या करूं? नासिर रोट बैक टू हर, नासिर ने उसे दोबारा ख़त लिखा और उसमें कहा, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, यानी अपना और वक्त ज़ाया मत करो। प्लांट द सीड्स एट वंस, और उसमें जो है जो खोदा हुआ खेत है उसमें आप बीज उगा दो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन प्रिजन नासिर वॉज वरीड। जेल के अंदर जब वो कैद में था तो नासिर बहुत परेशान था। इट वॉज़ टाइम टू प्लांट द न्यू क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स।
वो वक्त जो था वो नए जो है वो वेजिटेबल्स उगाने के लिए, नए पौधों के लगाने का टाइम था। मरियम कुड डू मोस्ट ऑफ द वर्क हर सेल्फ, बट शी वुड नॉट बी एबल टू डिग द होल फील्ड बाय हर सेल्फ। मरियम ने अपना जो है वो बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन वो फिर भी उस खेत को खुद से खोद नहीं सकती थी। नासिर थॉट अबाउट द प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अपने इस मुश्किल के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक सोचता रहा। देन ही हैड एन आइडिया। फिर उसको एक सोच आई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रोट अ लेटर टू हिज वाइफ। उसने एक ख़त लिखा अपनी बीवी के लिए। उस ख़त में क्या लिखा था? प्लीज़ डू नॉट डिग द फील्ड। मेहरबानी करके खेत को मत खोदना। आई हैव हिडन द मनी एंड द गोल्ड देयर। मैंने वहाँ पर कुछ पैसे और जो है वो सोना वहाँ पर छुपाया हुआ है। पेज नंबर 20। वन वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, नासिर गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज वाइफ। नासिर के पास उसकी वाइफ की तरफ से एक ख़त आया। इट सेड, उसमें लिखा था, समबडी इज़ रीडिंग योर लेटर्स बिफोर दे गो आउट ऑफ द प्रिजन। यानी कि जेल से निकलने से पहले तुम्हारे दिए हुए खतूत कोई पढ़ रहा था। 3 days ago, 3 दिन पहले, सिवरल पुलिसमैन केम हेयर एंड डग अप द फील्ड। 3 दिन पहले पुलिसमैन आए, यानी पुलिस जो है वो आई और फील्ड को, खेत को खोदना शुरू कर दिया। वट शैल आई डू नाउ, अब बताओ मैं क्या करूँ। नासिर रोट बैक टू हर। नासिर ने उसे दोबारा ख़त लिखा और उसमें कहा, डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, यानी अपना और वक्त ज़ाया मत करो। प्लांट द सीड्स एट वंस, और उसमें जो है जो खोदा हुआ खेत है उसमें आप बीज उगा दो। हेयर आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, अनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, बीट रूट, कैबेज, चिली, कैरेट। राइट द नेम ऑफ द वेजिटेबल अंडर इट्स पिक्चर। यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं और वेजिटेबल के नेम्स मौजूद हैं। आपने पिक्चर को देखते हुए उसका नेम यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट पे आपके पास है अनियन, पोटैटो, टोमेटो, रेडिश, कैबेज, चिली, ब्रिंजल, कैरेट। नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू से विच वेजिटेबल्स ग्रो अबव द ग्राउंड एंड विच वंस ग्रो बिलो द ग्राउंड। राइट द नेम्स बिलो। यहाँ पर आपने उन वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो कि कुछ जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो ग्रो करती हैं और कुछ ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पर जो आपके पास एरो जा रहा है ना, जो आपका फर्स्ट लिखा हुआ है कैबेज, उसके नीचे आप लिखेंगे वो वाली वेजिटेबल्स जो कि ज़मीन के ऊपर ग्रो करती हैं। फर्स्ट पे आप लिखेंगे टोमेटो, सेकंड चिली, थर्ड ब्रिंजल। नेक्स्ट अगर आप कॉलम पर आए तो वहाँ आपने उन वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो करती हैं। फर्स्ट अनियन, सेकंड पोटैटो, थर्ड रेडिश। यहाँ पर लर्न वर्ड्स की बात पूरी हुई है, अब लर्न ग्रामर की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग ING एंड द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ये एक्सरसाइज आप कोर्स बुक में भी कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं उन्हीं वर्ड्स को आपने ब्लैंक में लिखकर वहाँ उसके साथ ING का इजाफा करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज आप कोर्स बुक में कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वर्क। वर्क को आप ब्लैंक में लिखेंगे, ING लगाएंगे, वर्किंग। सेकंड है आपका क्लीनिंग, थर्ड स्वीपिंग, फोर्थ फीडिंग एंड फिफ्थ काउंटिंग। तो बेटा यहाँ पर हमारी बात पूरी हुई।